हेलो बच्चों, तो इस टाइम आपके क्लास 11 के एग्जाम्स या तो एंड हो गए होंगे या तो एंड होने वाले होंगे, और मेजॉरिटी बच्चों का इस टाइम एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि क्लास 11 तो खराब हो गया, कि क्लास 11 तो मैंने स्पॉइल कर दिया, अब मेरा आईआईटी का एग्जाम नहीं निकल सकता, अब मैं मेडिकल में नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता, इवन अब तो बोर्ड में भी 90-95% मैं नहीं पा सकता। अगर आपके साथ ये हुआ है तो यार इसमें कोई बहुत नई चीज नहीं है। कोचिंग भी जब हम लोग पढ़ाते थे ना, तो हर बैच के साथ ये होता था कि 11th क्रॉस करते वक्त उनको रियलाइज होता था कि 11th क्लास तो वेस्ट हो गई, 11th क्लास में तो पढ़ाई नहीं की मैंने। और डरो मत, मतलब ये कॉमन सी चीज होती है, इसमें पूरी सच्चाई भी नहीं है, तुम्हें काफी चीजें आती हैं, अभी तुम घबरा ज्यादा गए हो। समझो, बात को समझो, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, बहुत बेसिक रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि क्लास 10 तक जो हम पढ़ाई करते हैं ना, वो बहुत आसान होती है, बहुत सिंपल होती है। मैं पूरी नर्सरी से लेकर क्लास 10th में तुमने जितनी पढ़ाई की, और क्लास 11th का सिर्फ फिजिक्स का मैकेनिक्स उठा लो, वो उसके बराबर है। क्लास 11 की मैकेनिक्स जितनी पढ़ते हो ना, इतनी साइंस तुमने अपने बचपन से लेकर 10th तक क्लास तक नहीं पढ़ी थी। तो सडनली ना सिलेबस बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ है, बहुत ज्यादा। ये 10th से 11th की जो जंप होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इतनी बड़ी जंप कहीं नहीं है। इसके पहले जो एक जंप थी वो 8th से 9th में थी, पर वो छोटी होती है। ये 10th से 11th वाली जंप इतनी बड़ी है ना, ये आगे कहीं नहीं मिलनी। 12th के बाद भी जो आप ग्रेजुएशन में जाओगे वो जंप भी इतनी नहीं बड़ी, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन भी इतनी बड़ी जंप नहीं। ये जो लेवल का डिफरेंस था ना, इस वजह से दिमाग एकदम हमारा घूम जाता है, समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशन, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन, इतने एक्सेप्शन, इतने फॉर्मूले, इस तरह तरह के न्यूमेरिकल, इतनी मैथमेटिक्स, या इतने रिएक्शन रटने हैं, इतने रिएजेंट। तो ये कॉमन चीज है, ये सबके साथ हो जाता है। अच्छा, गलती क्या होती है, शुरू के एक दो महीने में 11th में जोश तो हाई रहता है, पर समझ में नहीं आती ये बात। जोश तो हाई रहता है पर ये चीज फील नहीं होती। धीमे धीमे 2-3 महीने बाद ये चीज रियलाइज होती है कि बहुत बड़ी चीज, ये पता नहीं क्या हो रहा है 11th में, इतना ज्यादा क्या, इतनी पढ़ाई तो मैंने कभी की नहीं। और धीमे धीमे आप हथियार डालना स्टार्ट करते हो, और फिर ये सिचुएशन आती है जहां पे पहुंच गए हो। बहुत सिंपल है, रीजंस बहुत हैं इसका। दूसरा बहुत कॉमन रीजन ये हो जाता है कि क्लास 11th में पहली बार आपको फील आता है कि आप बड़े हो गए हो। पता नहीं ये क्या है कि 10th तक लगता है छोटे हैं, 11th में आए तो सडनली फील हुआ बड़े हुए। तो दोस्ती यारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कोचिंग के बहाने दोस्ती यारी बहुत होती है, ऐसे घर के बाहर भी, घर के अंदर भी, दोस्तों से मिलना जुलना भी। एक तो बोर्ड ईयर का प्रेशर नहीं होता, बोर्ड ईयर का प्रेशर ना होने से बच्चा बड़ा फील करता है कि इस बार बोर्ड नहीं है, अभी तो बोर्ड दे के आए हैं, अभी तो मैं सारी मेहनत करके आया हूं, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं। कई लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में भी चले जाते हैं, तो 11th में जिंदगी का पहला प्यार 11th में ही होता है मैक्सिमम क्राउड को, ये भी सच है। तो ये सब एक कॉमन चीजें हैं जिनकी वजह से 11th क्लास गड़बड़ाने लगता है, और फिर आप यहाँ पे पहुंच जाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि यहाँ से सब खराब हो गया, अब नहीं हो सकता काम, अब बोर्ड में नंबर नहीं। बोर्ड के लिए तो मैं एकदम सिंपल आपको यहां से भी बता दूं कि बोर्ड के लिए तो मैं आपको लिख रहा हूं, देखो लिख के बोल रहे हैं कि बोर्ड में आप अभी भी 92-95% इवन ग्रेटर देन दैट स्कोर कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। देखो सच्चाई यही है कि 11th का 12th में यूज तो होता है, ऐसा नहीं कह सकते यूज नहीं होता है, बिल्डिंग कंसेप्ट है, वहां के कंसेप्ट यहां यूज होते हैं, बट 90-95 अगर सिर्फ बोर्ड में स्कोर करना है तो अभी इजिली हो सकता है। इजिली मतलब सिर्फ इसी ईयर का एफर्ट लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा 11th से परेशानी नहीं होगी। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिनकी 11th क्लास खराब थी, फिर भी 12th में आके उनके 90-91-92% इजिली आ सकते हैं, अगर साल भर तमीज से पढ़ाई करोगे, अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करोगे। इसके ऊपर अभी हम एक वीडियो नेक्स्ट करने जा रहे हैं कि कैसे क्लास 12th में शुरुआत से अंत तक पढ़ाई करें। तो ये बात तो अभी छोड़ दो, बोर्ड का टेंशन छोड़ दो, वो हो जाएगा, वो बस सीरियस होना है, यहां से तमीज से रहना हो जाएगा। प्रॉब्लम है कॉम्पिटिशन की, प्रॉब्लम है आईआईटी की, प्रॉब्लम है नीट की, क्योंकि वहां 11th आ रहा है और डेप्थ में आ रहा है। अगर आप समझो किसी भी कॉम्पिटिशन को, तो एक कॉम्पिटिशन तक पहुंचने के लिए या स्कोर कंप्लीट करने के लिए या 100% नंबर के लिए एक रास्ता होगा। ये पूरा रास्ता कवर कर लोगे तो 100% नंबर आ जाएंगे। दिस इज वेयर मैजिक हैपेंस, यहां पे जादू होगा। अब वो जादू किसी के लिए आईआईटी हो सकता है, वो जादू किसी के लिए नीट हो सकता है, किसी के लिए वो जादू एनडीए हो सकता है, किसी के लिए वो जादू डीयू का एंट्रेंस हो सकता है, किसी के लिए वो जादू कुछ कुछ कुछ, ठीक है। अब ब्लेम मत करना, ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा, सबके अपने अपने जादू होंगे। अब उस जादू तक पहुंचने में ये रास्ता जो पूरा 100% का है,
ये किसी भी कंपटीशन का अगर ब्रेकअप करो तो वो कुछ ऐसा ब्रेकअप होता है, एक ऐसा मान लो 11th क्लास और 12th क्लास, ठीक है, 11th का रास्ता या 11th का परसेंटेज थोड़ा सा कम आता है, कितना कम, करीब मान लो 45% के आसपास, और 12th का 55% के आसपास। तो हुई क्या गलती है कि कई लोग इस 45 में यहां तक पहुंचे हैं 30 तक, कई लोग यहां पहुंचे हैं 15 तक, कई लोग 10 तक, ठीक है, ये तो मैं मानता ही नहीं कोई 45 पहुंचा होगा, बहुत अच्छा कोई पहुंचा होगा 35 पहुंचा होगा, तो ये प्रॉब्लम हुई है। पर अच्छी बात ये है कि अभी ये पूरा हाथ में है, गिवअप नहीं करना है, गिवअप नहीं करना है, गिवअप नहीं करना। आप लोग ने एक्समैन देखी, एक्समैन की अभी सीरीज आई थी लोगन, उसमें प्रोफेसर एक्स लोगन से बोलता है, लोगन यू स्टिल हैव टाइम, समय अब भी है, समय अब भी है, ये 55% का सिलेबस पूरी तरह से आपके हाथ में है, और यहां से कुछ नहीं तो 10% पढ़ के रखा होगा। यानी अगर हम बात करें कि जहां मैजिक होता है, मैजिक सबके लिए अलग अलग है, जहां मैजिक होता है तो 55% आपके हाथ में है। अब इसमें भी कहोगे पूरा नहीं करेंगे तो फिर यार किस बात के इंसान हो, अब तो खून खौल जाना चाहिए, अब तो यहां तो करके दिखाना है, साथ में यहां का आपने कुछ नहीं तो 10% तो पकड़ रखा है, तो 65% के आसपास आप पहुंच गए। किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए 100% की जरूरत नहीं होती है, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए 100% की जरूरत नहीं, जरूरत होती है 75% 80% की, मतलब जो आपकी रियल लैगिंग है, जो रियल में आप पीछे हो, वो आप पीछे 15% से ही हो। जो आपको इतना बड़ा डर लग रहा था ना, 11th बर्बाद हो गया, 11th खराब हो गया, मेरा करियर खराब हो गया, वो 15 से 20% आप लैग किए हो टोटल पूरे रास्ते में से। अब फील हुआ, कई लोग कह रहे थे मेरा 50% नहीं खराब हुआ है, अब 15 से 20, क्योंकि अब आप इस पे जान लगा दोगे, अपनी जान लगा दोगे, 12th के पोर्शन पे आप अपनी जान लगा दोगे, ये 55% तो है ना, जितना पास में उसको तो पकड़ के रखेंगे, पीछे से 10% और खींचना पड़ा हुआ है, 15-20% और खींचना है, वो कैसे खींचना है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। क्लियर है? देखो बहुत सिंपल सी बात थी, अगर आपने सोचा था कि 12th में आप रोज 6 घंटे की पढ़ाई करने वाले हो, क्लास 12th में आप रोज 6 आवर पढ़ने वाले हो, तो अब आपको रोज 8 आवर पढ़ना होगा। अगर आप 8 आवर पढ़ने वाले थे तो अब आपको 10 आवर पढ़ना होगा, बस इतने से डिफरेंस है। हर रोज वो 2 घंटा जो जुड़ेगा ना, वही रिजल्ट में दिखेगा लास्ट में। तो देखो इसी के लिए हम कुछ चीजें आपको बताने वाले हैं कि कैसे 11th जो छूट गया उसको कैसे कवर करना है। पहली बात की 12th की, तो 12th एज पर स्कूल सिलेबस, एज पर योर कोचिंग, या यूट्यूब पे आप मेरे को देखते हो, किसी और अच्छे एडुकेटर को देखते हो, तो ठीक है, जिसको भी आप देखते हो, तो 12th तो जैसे चलना है वैसे चलाना है, ठीक है। 12th कैसे करना है इसके लिए एक वीडियो अभी ला रहे हैं। 11th की बात करते हैं, हमारी तरफ से क्या होगा और आपकी तरफ से क्या होना चाहिए। हमारी तरफ से 11th में नई सीरीज स्टार्ट की हमने, वन शॉट सीरीज, वन शॉट हम कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू रहेगी, धीमे 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 वन शॉट में हम सीक्वेंस में चलेंगे, धीमे धीमे फिजिक्स में, और धीमे धीमे इधर केमिस्ट्री में भी ट्राई करेंगे कि वन शॉट सीरीज से पूरे चैप्टर का रिवीजन आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में देने की कोशिश करें, हर तरह के फॉर्मूले, हर तरह के न्यूमेरिकल करा दें। डेफिनेटली वो सफिशियंट नहीं होते हैं, पर आपके दिमाग में एक मैप बन जाता है। उसके बाद अब हम एक नई चीज लाने वाले हैं बच्चों, और आज हम इसको डिस्क्लोज कर रहे हैं कि हम एक क्वेश्चन सीरीज लाएंगे हर चैप्टर की पीडीएफ के फॉर्मेट में। अब ये डेफिनेटली हमारी अपनी वेबसाइट पे होगी, जो कि अब लॉन्च होगी ही होगी, और साथ में इन क्वेश्चन सीरीज के सॉल्यूशंस होंगे, और कोशिश होगा कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करें। अब ये हो सकता हो उस वेबसाइट पे ही हो सकता हो हमारे चैनल, हमारे आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला पे। इन क्वेश्चन सीरीज में क्या होगा, इन क्वेश्चन सीरीज में हम आपको हर चैप्टर के सवाल देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे, साथ में उनके सॉल्यूशंस भी देंगे, करना आपकी, ये तो हमारी साइड से हो रहा है, करना आपकी बात है, और साथ में हम अपने पूरे 11th क्लास के नोट्स सीक्वेंस में अपलोड करेंगे। धीमे धीमे आएगा ये, ठीक है, हर महीने 3-4 चैप्टर से धीमे 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 अपलोड होता जाएगा नोट्स प्रीवियस ईयर का, पूरा 11th का। तो अपनी तरफ से हम सारा 11th का मटेरियल आपको देंगे। वन शॉट सीरीज ना बहुत सही जाने वाली है, पूरा चैप्टर एक बार में कवर, फिर अच्छे क्वेश्चन, साथ में उनके वीडियो सोल्यूशन, रिवाइज। आपकी साइड से क्या करना पड़ेगा, आपको हर मंथ यानी 30 दिन मान के चले को 5 हिस्सों में बांटना होगा, 6-6-6-6 दिन के। पहले 6 दिन में आपने फिजिक्स पढ़ी, फिर 6 दिन में केमिस्ट्री, फिर 6 दिन में मैथ्स या बायो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। इन 6 दिन में आप फिजिक्स का एक चैप्टर बना लो, 11th क्लास की बात हो रही है, ये पूरी 11th क्लास की, बैक ऑफ द माइंड। अगर आप 12th क्लास में 6 घंटे रोज पढ़ने वाले थे तो +2 आवर आपको 11th का देना पड़ेगा, भाई कहीं जाएगा तो नहीं ना, एक्स्ट्रा 15-20% खींचने के लिए ये 2 घंटा लेना पड़ेगा।
इन दो घंटे में आप छह दिन तक फिजिक्स का कोई इलेवेंथ का चैप्टर नंबर वन उठा लिया, फिर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर वन उठा लिया, मैथ्स या बायो का चैप्टर नंबर वन, फिजिक्स का चैप्टर नंबर टू केमिस्ट्री, रोज दो 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 घंटे पढ़ा, एक एक घंटे पढ़ा और छह दिन लगातार पढ़ो। इसमें ना रेगुलर होना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करेंगे, एक दिन पढ़ेंगे तीन दिन नहीं, छह दिन लगातार एक एक घंटे मान लो तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, एक एक घंटे लगातार लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, एक एक घंटे लगातार आपने मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, छह दिन में एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, छह दिन में अगले छह दिन में आपका काइनेमेटिक्स, अगले छह दिन में आपका मान लो मैथ से कोई चैप्टर परम्यूटेशन कंप्लीट हो गया, अगले छह दिन में आपका फिर फिजिक्स का चैप्टर, फिर केमिस्ट्री। इस तरह से कर करके आप एक महीने में पांच पुराने चैप्टर को रेडी कर सकते हो। मेरी साइड से ये मटेरियल आपको मिलता रहेगा, उसका यूज करोगे। पांच चैप्टर आपको हर मंथ इलेवेंथ क्लास के रिवाइज करने हैं। ये उनके लिए भी है भाई, जिनका इलेवेंथ तैयार है उनको भी करना है इलेवेंथ का रिवाइज। रिविजन बहुत जरूरी है क्योंकि वहां कॉम्पिटिशन सामने खड़ा हो जाएगा आके। अच्छा, अगर पांच चैप्टर हर महीने आप करते हो, मान के चलते हैं यहां से आपके पास टोटल 10 महीने का समय भी बाकी है, तो 5 × 10 = 50 चैप्टर आपके पास होंगे। वैसे तो 12 महीने मिल जाएंगे जेईई मेंस के लिए, फिर भी 50 चैप्टर, यार 15 चैप्टर ही तो हैं इसमें अगर एनसीईआरटी से देखो तो, एवरेज अगर देख लें तो 45-50 मान लिया, हो सकता है, एक रफ आइडिया है, बाकी आपको तो अपना बनाना पड़ेगा। हो सकता है अगर तुम कंसिस्टेंट हो जाओ, अगर तुम 6 दिन फिजिक्स, 6 दिन केमिस्ट्री, और इसमें लापरवाही नहीं करनी, इसको पकड़ के चलना है, इसको एकदम तमीज से हर महीने आपको 5 चैप्टर रिवीजन होना चाहिए। अब हो सकता हो आपका 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 1 मैथ्स हो, अगले महीने 2 मैथ्स 2 फिजिक्स 1 केमिस्ट्री हो, ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट कर लेना। इस तरह से करके आपको 11 का रिवीजन करना है। ये मटेरियल हमारी तरफ से रहेगा, बाकी पढ़ाई तो आपको अपनी तरफ से करनी लगेगी। तो जागो अर्जुन, जागो अश्वत्थामा, अभी समय नहीं गया है, अभी समय बाकी है, ये 55% तो उठाना है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, यहां से 10, 12, 20 कुछ तो था ही, एक्स्ट्रा 15-20 और निकालना है इस तरह से। तो मेरी तरफ से इतनी ही बातें, अब अगला वीडियो में लाऊंगा कि 12th क्लास शुरुआत से कैसे डेडिकेशन से पढ़ना है टू गेट दैट 90% इन बोर्ड्स। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।